कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी या जॉइंट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें मेजरली सेक्शन 34 और 149 का कंपैरिजन होता है, दो कंस्ट्रक्टिव या जॉइंट लाइबिलिटी के और भी प्रोविजंस हैं आईपीसी में जहां ये रिफ्लेक्ट होता है। होता क्या है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का प्रिंसिपल, सबसे पहले इस बात को समझेंगे। आपने ये दो चीजें तो सुन ही रखी होंगी, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। सेक्शन 34 डील्स विद कॉमन इंटेंशन एंड 149 डील्स विद कॉमन ऑब्जेक्ट। बिफोर वी मूव ऑन टू दी प्रोविजन, और एक एक करके अपन सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करें, उसके पहले जरा थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जॉइंट लाइबिलिटी या कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी होता क्या है, क्यों होता है, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। जॉइंट लाइबिलिटी, या फिर इसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, क्या है ये जॉइंट या कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी? तो देखिए, जनरली क्या होता है, ए ने अगर कोई ऑफेंस कमिट किया तो ए इज लाइबल फॉर दैट। ए ने अगर कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसका पनिशमेंट ए को मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं ए के किए हुए एक्ट के लिए बी को भी पनिशमेंट मिलेगा, क्या ये बात वाजिब है? तो जनरली तो नहीं है भैया। एक्ट ए ने किया, बी पनिश क्यों हो रहा है, या बी भी पनिश क्यों हो रहा है इस एक्ट के लिए? तो बी अगर पनिश हो रहा है तो देयर शुड बी सम कनेक्शन, देयर शुड बी सम कनेक्शन ऑफ बी विद द एक्ट जिस एक्ट के लिए वो पनिश हो रहा है, कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स आईपीसी में दिए हैं जहां ए ने एक्ट किया है बी उसके लिए लायबल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव मतलब जो ए की लाइबिलिटी है एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए, क्योंकि इसने उस एक्ट को किया है, वहीं से बी की लाइबिलिटी कंस्ट्रीव कर ली जाएगी, बी को भी लाइबल किया जाएगा। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। या ज्वाइंट लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि दोनों लाइबल हैं, दोनों लाइबल हैं उस एक्ट के लिए, इसीलिए इसको हम जॉइंट लाइबिलिटी भी कहते हैं। अब ये कब कब अराइज होती है, क्यों होती है? तो देखिए, आईपीसी में तो कई सारे प्रोविजंस हैं। अगर मैं ब्रॉडली इन प्रोविजंस की बात करूं जो डील करते हैं, तो सेक्शन 34 जो कि कॉमन इंटेंशन बताता है, सेक्शन 149 मेजरली आप देखते हैं सुनते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट है, लेकिन इतने पे ये कंस्ट्रक्टिव या जॉइंट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल खत्म नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो आईपीसी में 34 से 38 तक पूरा जॉइंट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल ही है, या इनफैक्ट आई शुड रादर एक्सक्लूड 38, लेट्स कीप इट टू 37। अभी मैं बताऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, एक एक प्रोविजन वाइज जब अपन बात करेंगे। तो ये सारे प्रिंसिपल भी एक्सप्रेसली इसमें 35 ये भी बात करता है आपका कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की। 149 तो कर ही रहा है, इसके अलावा आप अबेटमेंट में देखेंगे तो 114 टॉक्स अबाउट द सेम, वो भी एक कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात करता है 114 अबेटमेंट में। तो ये जो प्रोविजंस हैं ब्रॉडली, ये प्रोविजंस जॉइंट या कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में डील करते हैं, जहां एक व्यक्ति लायबल होता है दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए हुए एक्ट्स के लिए। ऐसा क्यों होता है या क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्यों ये चीज हो रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इन सारे प्रिंसिपल्स में डिफरेंस प्रॉपरली समझना है कि सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन की बात करता है, सेक्शन 35 जो सिमिलर इंटेंशन की बात करता है, या सेक्शन 149 जो कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, या सेक्शन 37 जो कोऑपरेशन की बात करता है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आपको उस डिफरेंस तक प्रॉपरली पहुंचना है तो पहले ये समझिए कि ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का प्रिंसिपल है क्यों। क्योंकि भाई साहब, अगर मैं कह रहा हूं कि ए के एक्ट के लिए जो मेन ऑफेंस ए ने किया है बी को भी हम लायबल कर रहे हैं, तो बी का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा। अब ये जो बी का कनेक्शन है अलग अलग तरीकों से हो सकता है, इसीलिए इतने सारे प्रोविजन रखे हैं। बेसिक पर्पस इतने अलग अलग प्रोविजंस को इस चीज के लिए रखने का ये है कि कहीं बी की लाइबिलिटी स्किप ना हो जाए या बी कहीं बच ना निकले, क्योंकि वो किसी ना किसी फॉर्म में एसोसिएटेड तो है उस एक्ट में।
हमने मल्टीपल प्रोविजन क्रिएट कर दिए कि अगर एक में नहीं फंसोगे बेटा तो दूसरे में फंसा देंगे, लेकिन आपके ऊपर हम कंस्ट्रक्टिव या जॉइंट लाइबिलिटी इंपोज करेंगे और आपको हम लाइबल करेंगे एक्ट के लिए. दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दीज कंस्ट्रक्टिव और जॉइंट लाइबिलिटीज. इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए. इसीलिए देयर मे बी ओवरलैपिंग एज वेल. आप देखेंगे 34-149 में देयर मे बी ओवरलैपिंग. ऐसे भी केसेस होते हैं जहां 149 में लाइबिलिटी पहले क्रिएट की गई, चार्जेस फ्रेम किए गए, लेकिन एविडेंसेस आने के बाद वो प्रूफ नहीं हो पाया. तो मान लीजिए 3 लोगों का ऑफेंस प्रूफ हुआ तो उनको आपने कन्विक्ट कर दिया. ऐसे भी केसेस होते हैं. इसके बारे में भी एक एक करके मैं विद एग्जाम्पल आपके साथ बात करूंगा. अभी मैं एक ब्रॉड आइडिया आपको देना चाह रहा हूं अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी. तो भाई देयर शुड बी सम कनेक्शन ऑफ बी एज वेल अलॉन्ग विद द एक्ट. बी का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप उसको लाइबल करेंगे अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी. और ये ध्यान रखिए कि ये जो अलग अलग प्रोविजंस रखे गए हैं इस कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी को क्रिएट करने के लिए, उनका बेसिक पर्पस बस इतना है कि बंदा कहीं निकल ना जाए. देयर मे बी ओवरलैपिंग. आप 34 पढ़ेंगे, 114 पढ़ेंगे, देयर मे बी ओवरलैपिंग, बट द बेसिक पर्पस इज वो नहीं है कि आपको बहुत वाटर टाइट कंपार्टमेंट में सबको बंद करना है. ये पर्पस नहीं है. पर्पस ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक्चुअली, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति, तीन तीन लोग गए किसी का मर्डर करने, एक ने गोली चलाई है बाकी के दो खड़े थे, या ए ने चाकू मारा है बाकी के दो जो विक्टिम था उसके हाथ पकड़ के खड़े थे, किसी ना किसी फॉर्म में एसोसिएटेड थे. अब ये दो जो एसोसिएटेड थे उस ऑफेंस में या सिर्फ वहां खड़े होकर ये देख रहे थे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा, इनको बच के नहीं निकलने देना है. या सिर्फ खड़े थे वहां और दो लोग जो मॉरल सपोर्ट बढ़ा रहे थे उस ऑफेंडर का वहां खड़े होके, ये बच के ना निकल जाएं. क्योंकि देखो, एक ही लाइबिलिटी तो आप सीधे सीधे क्रिएट कर दोगे, क्योंकि उसने चाकू मारा, उसके चाकू मारने की वजह से डेथ हुई, तो वो तो सीधे सीधे लाइबल है. यहां तो कोई समस्या ही नहीं है. समस्या किधर है? बाकी के जो दो एसोसिएटेड लोग हैं इनके साथ क्या होगा? ये कहीं बच तो ना निकले. इसीलिए देयर आर मल्टीपल प्रोविजंस. आपको इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए तो आपको वो डिफरेंशिएट करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आप इस बात को समझेंगे कि इनका पर्पस क्या है अलग अलग, तो आपको बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में. ऐसा नहीं है कि देयर मे नॉट बी ओवरलैपिंग, देयर मे बी, क्योंकि वो पर्पस ही नहीं है मल्टीपल प्रोविजन को रखने का. पर्पस ये है कि ये सात वाले भाई लोग कहीं बच के ना निकल लें, किसी ना किसी फॉर्म में हम आपको ले आएंगे. एक प्रिंसिपल आप पे एप्लीकेबल नहीं हुआ, एक प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो दूसरे में फंसाएंगे, दूसरा नहीं हो पाया तो तीसरे में, लेकिन बच के हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपका भी एसोसिएशन उस पर्टिकुलर ऑफेंस में है. दैट्स द बेसिक पर्पस.